हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जीआईसी और जीजीआईसी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई है, यानी इंटर कॉलेज प्रवक्ता की वैकेंसी है, उसके प्रीलिम्स का जो पेपर अब से होगा। हालांकि पहले जो हुआ था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पर पार्ट वन में हम 2017 के 15 प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो 2017 में ये वैकेंसी आई थी जो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके 15 प्रश्न पार्ट वन में हमने सेलेक्ट किया है। हालांकि उस समय क्या होता था कि यहाँ पे आपका जीएस का पेपर नहीं होता, ना तो प्रीलिम्स होता था, एक पेपर यहाँ पे आपका ये होता था। साथ में यहाँ पे जो पेपर होता था, यानी केवल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वहाँ पर पेपर होते थे, उसके बाद आपका इंटरव्यू इसमें होता था, ठीक। लेकिन अभी क्या, इंटरव्यू हटा दिया गया है, अब यहाँ पे आपको प्री और मेन दोनों देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं 2017 का जो पेपर था उसमें, तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न का जो स्तर होगा किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2.5 मार्क्स का होगा, राइट। और 40 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, जीके के रहेंगे, यानी जीएस के रहेंगे, जिसमें साइंस और हिस्ट्री वगैरह सब रहेगा। और 80 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट के रहेंगे, चाहे आपका हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो, ठीक। तो 80 प्रश्न उससे रहेंगे, यानी कि यदि देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जो ज़्यादा वरीयता रहेगा, तो ये 2.5, और जो आपका फाइनल सेलेक्शन होगा वो मुख्य परीक्षा बेस पर होगा, यानी मेंस में जो आपने स्कोर किया रहेगा उसी को फोकस करके उस पर आपका चयन होगा, क्लियर हुआ। तो टोटल जो आपका ये है पेपर, 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का, कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आपका जीके का सिलेबस है, जो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी विषय से हों, तो प्री में आपका ये चीज़ें अनिवार्य है सभी के लिए। यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 का है, ठीक। पार्ट वन में हम लोग 15 प्रश्न की बात हमने किया था। प्रश्न दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें एक तरफ जो आपका बुक दिया है, दूसरी तरफ राइटर के नाम। अब देखिए, ये इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो आपका नेट में भी आता है। आप यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, अभी फ़िलहाल इसका नोटिफिकेशन कैंसिल था, तो ये संभवतः आपका जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक तक आ जाएगा, ठीक। और ये माध्यमिक कराता है, और इसमें केवल आपका ज्योग्राफी के 125 क्वेश्चन होते हैं। अब दोनों में अंतर एक बार समझ लीजिए। प्रश्न बताने से पहले एक चीज़ महत्वपूर्ण लग रहा है, जिसे बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न ये थे कि सर जो ये आपका यूपी पीसीएस का जीआईसी है, ये कहाँ पर नियुक्ति देता है, और जो यूपी पीजीटी है ये किस में। तो देखिए, जो यूपी पीजीटी ये माध्यमिक कराता है, माध्यमिक सेवा चयन आयोग जो बना है शिक्षा परिषद वाला, ठीक। और ये जो नियुक्ति इन पर होती है, ये आपका एडेड कॉलेजों में होती है, ठीक। एडेड कॉलेजों में यानी जो मैनेजमेंट वाले कॉलेज होते हैं, और हालांकि ये भी है गवर्नमेंट, और ये भी ये सेमी गवर्नमेंट होता है, ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट होता है। यानी कि जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं या राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, वहाँ के लिए ये वैकेंसी आई है जो लोक सेवा आयोग कराता है, ठीक। इस वैकेंसी में प्री और मेन है, जबकि इसमें केवल आपका क्या है, एक 125 नंबर का, 125 प्रश्न का पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे होगा, ठीक, 50 नंबर का। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जो पीजीटी है वो ये जो आपका यूपी बीसीएस के थ्रू आया जीआईसी का, इससे अलग। हालांकि दोनों में आपका जो आप टीचर बनेंगे वो 11th 12th क्लास के लिए ही बनेंगे, यानी इंटर कॉलेज प्रवक्ता रहेंगे, लेकिन अंतर यही है दोनों में कि एक आपका पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है, दूसरा सेमी गवर्नमेंट है, यानी एडेड कॉलेजों में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो इसमें दिया रेडजिल, ये आपका सुमेलित है। ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस, तो देखिए जो ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस है, ये टेलर महोदय की नहीं है, बल्कि किसकी है, पीटर हैगेट की है, पीटर हैगेट की है, ठीक। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, ये आपका आर ई डिकिंसन की है।
पर्सपेक्टिव नेचर एंड ज्योग्राफी ये हॉट जोन की है, तो ये भी आप याद रखिएगा ठीक, क्योंकि कभी कभी आपका डायरेक्ट यही पूछ देता है, पूछता है कि राइटर कौन है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है कि एंटीपोड जो पत्रिका है ये समाज के किन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है या उनकी समस्याओं को लोगों के सामने रखती है या उनकी समस्याओं को उजागर करती है। तो इसमें ऑप्शन वन है धनी, जो शहरी धनी लोग हैं उनकी, राजनेताओं की, पूंजीपतियों की, या गरीब एवं वंचित लोगों की। तो जो एंटीपोड पत्रिका है यह आपका क्रांतिकारी भूगोल के विरोधाभास स्वरूप जो विकसित हुआ था मात्रात्मक क्रांति, यह क्रांतिकारी भूगोल जो है ये उसी से रिलेटेड ये पत्रिका है एंटीपोड, और ये 1969 में क्लार्क यूनिवर्सिटी के द्वारा चालू किया गया था। पहला अंक इसका कब प्रस्तुत हुआ था? 1969 में। किस विश्वविद्यालय में? क्लार्क विश्वविद्यालय में ठीक, इसमें क्लार्क यूनिवर्सिटी में ये चालू किया गया था। और यदि हम लोग देखें तो क्रांतिकारी भूगोल का जन्म भी इसी पत्रिका से ही माना जाता है, जिसके समर्थक आपके डेविड हार्वे रहे हैं, विलियम बुंगी रहे हैं। तो ये जो पत्रिका थी ये क्या करता था कि इन्होंने जो भूगोल के सामाजिक मूल्य हैं उसकी अनिवार्यता पर ये पत्रिका बल देती है एंटीपोड, और ये गरीब एवं वंचित लोगों की समस्याओं को उजागर भी करती है ठीक। नेक्स्ट है जो कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसने 1969 में प्रकाशन के साथ मानवता परक भूगोल भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बन गया। अब देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे दिया कौन सी पत्रिका है, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 1969, ये भी आपसे प्रश्न पूछ दिया गया प्रश्न में ही, तो ये कौन सी पत्रिका है? तो ये आपका एंटीपोड है ठीक। और किससे मानवता परक भूगोल, यानी जो आपका क्रांतिकारी टाइप का जो भूगोल था, क्रांतिकारी भूगोल की नींव भी इसी पत्रिका के द्वारा डाली गई, जिसके समर्थक हार्वे, विलियम बुंगी आदि रहे हैं ठीक। नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल वर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है आर ए डिकिंसन, पी जेम्स, एम बोमेन या जेलिंस्की। तो जो ऑल पॉसिबल वर्ल्ड है ये बुक आपका पी जेम्स की है, इसका पूरा नाम है ऑल पॉसिबल वर्ल्ड अ हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज़, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड अ हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज़, अ हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज़, ये लिख लीजिए फुल नेम ठीक, क्योंकि हो सकता है कभी पूरा नाम पूछ दे तो आप कन्फ्यूज करेंगे ठीक। किसकी है? पी ई जेम्स की राइट। नेक्स्ट आइए, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। अब देखिए भूगोल की परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है, यानी कि यदि आपको जीआईसी का ये डिटेल पढ़ना होगा तो अभी जो आपका बैच चल रहा है यूपी पीजीटी का और टीजीटी का ठीक, यदि नेट बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी ठीक। क्लासेस की जो भी डिटेल्ड है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग पूरा टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं, तो पीजीटी के साथ ही और टीजीटी के साथ आपका जीआईसी भी, दोनों का प्रीलिम्स का यदि सिलेबस आप देखेंगे तो पीजीटी टीजीटी मिला के आपका जीआईसी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आपको जीआईसी के लिए कोई अलग से यहाँ पे क्लासेस नहीं करनी होगी, प्री के लिए केवल आप जीएस को फोकस करके चलिए, आगे जीएस की भी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये व्हाट्सअप आपको इस नंबर पे करना है, वहाँ पे इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो आपको डिटेल्ड उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है, यह कथन किसने दिया? पीटर हेगेट, रिचर्ड हार्डसून, आर ई डिकिंसन या एडवर्ड एकरमैन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको दिया है रिचर्ड हार्डसून महोदय ने, कहा कि पृथ्वी के तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ एवं क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण जो अध्ययन करता है वही आपका भूगोल है, यानी कि इन्होंने भूगोल को उस विज्ञान के रूप में बताया। और यही प्रश्न आपका पीजीटी में भी पूछा है, पीजीटी 2004 में यही प्रश्न सेम
ठीक। तो हार्टसोन ने क्या बोला कि जो पृथ्वी भूगोल क्या है कि वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो परिवर्तनशील स्वरूप का वर्णन करता है और उसकी व्याख्या भी करता है तथा पृथ्वी तल से संबंधित ये उसके यथार्थ क्रमबद्ध यानी विभिन्न प्रकार की और भी इन्होंने विस्तृत व्याख्या इसके बारे में किया था। भौगोलिक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है? हार्टसोन का, हेटनर का, रिस्थोपिन का, वेगनर का। अब देखिए कि अभी आपने देखा कि विभिन्नतापूर्ण की बात इन्होंने ही की है, किसने? हार्टसोन ने। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्र विवरणी विज्ञान, ठीक, तो ये जो कोरोलॉजिकल साइंस की बात कर रहा है, ठीक, तो इसमें जो राइट आपका हो जाएगा ये हेटनर का है। कोरोलॉजिकल साइंस की बात किसने की थी? भूगोल को एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान किसने कहा था? तो हेटनर ने कहा था। इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको कोरोलॉजिकल साइंस भी दे देगा, हिंदी में ही लिख के दे देगा, कोरोलॉजिकल विज्ञान। नेक्स्ट आइए यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे किसने कहा था कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? तो ये देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है जियोमॉर्फोलॉजी का। जब आप शुरुआत करते हैं तो पहला ऑलमोस्ट यही प्रश्न आप पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत में कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, सीएम किंग का, डब्ल्यू एम डेविस का, जेम्स हटन का, पिंक का, ठीक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हटन महोदय का है कि जो वर्तमान है ये भूतकाल की कुंजी है। यानी इनका ये मानना था कि जो भी लैंडफॉर्म हम लोग देख रहे हैं इसके पीछे भूतकाल में कोई न कोई प्रक्रिया काम कर रही थी। ये इनका मानना है कि बिना भूतकाल में किसी प्रक्रिया के कार्यरत होने की वजह से ये आपका जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इसका हुआ है या जो पर्वत पठार का उत्थान हुआ है ये ऐसे नहीं हो जाता, इसके पीछे कोई न कोई प्रक्रिया काम कर रही होती। इसी का स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि वर्तमान क्या है? भूतकाल की कुंजी है। नेक्स्ट है कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन किसने कहा था? भूगोल जो है ये सभी विज्ञानों की जननी है, ये कथन किसने कहा था? प्रेस्टन नी जेम्स, रिचर्ड हार्टसोन, हटिंगटन, कार्ल लिटर। अब देखिए ये चीज़ें जो आपका ये प्रश्न पूछा गया है ये कई किताबों में आपका भूगोल सभी विज्ञानों की जननी हार्टसोन भी देता है, जेम्स भी देता है। अब जो आयोग ने आपका माना था तो ये प्रेस्टन की जेम्स को माना है आयोग ने। तो भूगोल में भौतिक वातावरण और मानवीय पर्यावरण दोनों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी यानी कि ज्योग्राफी इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेज, तो ये किसने कहा है? प्रेस्टन ही जेम्स ने, ठीक। हालांकि कई किताबों में आपको हार्टसोन भी मिलेगा लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहा है। तो एक हद तक ये आप मान सकते हैं जब आपको ऑप्शन में जेम्स ना मिले और हार्टसोन दिया रहे तब आप इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने लेवेंस्ट्रॉम की अवधारणा का प्रतिपादन किया? हाउसहॉफर ने, क्रिस्टॉलर ने, गॉटमैन ने, पीटर हैगेट ने। तो लेवेंस्ट्रॉम की जो अवधारणा है ये किसने प्रस्तुत किया? अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो अवधारणा है इसकी शुरुआत किसने की थी ये बात की जा रही, प्रतिपादन। तो लेविन्स्ट्रॉम का जो जो पद है इसको किसने दिया था? तो इसको किसने क्वाइन किया था? जो ये स्टेटमेंट है ये आपका रैटजेल महोदय ने, ठीक, रैटजेल ने जो है इसको क्वाइन किया था यानी इसको गढ़ा था या कह सकते हैं इसको प्रतिस्थापित किया, ये वर्ड दिया था। जबकि आपका जो हाउसहॉफर ने, हाउसहॉफर ये ऑस्ट्रियन ज्योग्राफर हैं और इन्होंने लेविन्स्ट्रॉम की अवधारणा का श्रेय कार्ल हाउसहॉफर को दिया था। और उनका नाम है जो ऑस्ट्रियन ज्योग्राफर जिन्होंने श्रेय दिया था उनका नाम है स्टीफन ज्वैग। क्या नाम है? स्टीफन ज्वैग। इन्होंने लेविन्स्ट्रॉम की अवधारणा का श्रेय कार्ल हाउसहॉफर को दिया। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि लेविन्स्ट्रॉम की अवधारणा, लेविन्स्ट्रॉम जो ऑप्शन में दिया नहीं था इसलिए ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट या टॉपिक कोई भी आता है तो उसको पहले किसी ने उसके बारे में कुछ बातें की होती हैं, जैसे आपने देखा था कि अपर्दन चक्र का यानी इरोजन साइकिल। तो अपर्दन चक्र जो है ये डेविस का है, इन्होंने विस्तृत व्याख्या की, लेकिन इसके पहले भी आपके रिचर्ड पावेल हो गए,
जिम सटन हो गए, इन्होंने इसके बारे में व्याख्या किया था, बताया था, लेकिन उन्होंने एक एग्जैक्ट वर्ड जो है इरोजन साइकिल नहीं दिया था। ठीक, हालांकि उन्होंने बताया कि ये इस तरह से अपरदन होता है जो भी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया था। बाद में डेविस इन्होंने स्पष्ट रूप से इसे इरोजन साइकिल का नाम दे दिया, तो इसलिए वो उन्हीं की अवधारणा होगी या उनका ही स्टेटमेंट या उनकी ही थ्योरी हो गई। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भूगोल को संभववाद की संकल्पना प्रतिपादित की थी? भूगोल में किसने संभववाद की संकल्पना दिया था? तो क्रिस्टॉलर हैं, कार्लोस आवर हैं, हटिंगटन हैं, बिडाल डीला ब्लांस हैं। अब देखिए, पॉसिबिलिज्म और पॉसिबिलिज्म प्रोबेबिलिज्म ये सभी कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जा चुके हैं, और ये इससे रिलेटेड जो आपका यथार्थवाद भी है, सब चीज़ें आपका जो यूनिट नंबर 1 है PGT का, वहाँ पे हमने पूरा इसका डिटेल भी प्रोवाइड कराया है। ठीक, तो आपको नोट्स में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी जो PGT का कोर्स चल रहा था उसमें, कि किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया। हालांकि ये तो आसान सा है, आप इसको लगा लेंगे, लेकिन किसने इस वर्ड को क्वाइन किया था, ये सभी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। ठीक, हालांकि ब्लांस ने जो है इसमें योगदान तो दिया था काफ़ी। ठीक, इसके जो संभववाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें आप मान सकते हैं, क्योंकि हालांकि वर्ड तो दूसरे ने दिया। अब ऑप्शन आपके पास मैं बता दे रहा हूँ जो आप लोगों को कमेंट करना है। ऑप्शन में है ब्रूंस और फेब्रे। ठीक, इन दोनों में से किसने संभववाद शब्द दिया था, ये आपको बताना है। हालांकि जो प्रसिद्धि दी थी वो ब्लांस के कार्यों की वजह से संभववाद को मिला था। ठीक, अगला है, निम्नलिखित चार भूगोल के चिंतन फलक रहे हैं, जो निम्न में से चार ये दिया गया भूगोल के चिंतन फलक हैं, इनके सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कौन सा कब है, इस बात को भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको ध्यान देके चलना है। तो सबसे पहला आपका नवनिश्चयवाद इसमें दिया है, दूसरा है भूवैज्ञानिक संगठन, तीसरा मानवता पर भूगोल, चौथा क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो जो नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद है, ये टेलर ने दिया था, इसको टेलर ने 1920 के आसपास दिया है। ठीक, जो भूवैज्ञानिक संगठन की अवधारणा है, इसे एडवर्ड टैफे ने दिया है। किसने, याद रखिए, टैफे ने दिया है, और उन्होंने कब दिया था, 1974 के आसपास दिया है। ठीक, मानवता परक भूगोल पर जो पहला लेख था ये यूफी टुआन का था, और ये उन्होंने 1976 में पब्लिश कराया था। और क्षेत्रीय विभेदीकरण शब्द जो है ये 1939 में दिया, किसने दिया था, हार्टसोन ने दिया था। किसने दिया था, हार्टसोन ने दिया था। तो अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। तो यहाँ से आप कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, एक नंबर पे आ जाएगा, दूसरे पे क्षेत्रीय विभेदीकरण, तीसरे पे आपका भूवैज्ञानिक संगठन, चौथे पे आपका मानवता परक भूगोल। तो क्या हो गया, ये 1, 4, 2, 3 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 2, 3 डी वाला। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से कौन निश्चयवाद के समर्थक नहीं हैं? तो इसमें है सैंपल हैं, रेडजेल हैं, रिटर हैं, फेब्रे हैं। अब देखिए, जो प्रबल समर्थक हैं आपके सैंपल हो गए, कार्ल लिटर भी समर्थक प्रबल समर्थकों में से एक हैं निश्चयवाद के, रेडजेल भी निश्चयवाद के समर्थक हैं, लेकिन फेब्रे हैं संभववादी। ठीक, क्या नाम है, फेब्रे जो है ये संभववादी हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आप इसमें देख लीजिए कि यदि वो फ्रांसीसी ज्योग्राफर है तो कहीं ना कहीं वो इससे संबंधित होगा। एक ज्योग्राफर हैं, अमेरिकी ज्योग्राफर हैं, ईसा बोमेन, तो ये भी एक हद तक संभववादी ही हैं, और ज़्यादातर ज्योग्राफर जो है अमेरिकन वाले वो निश्चयवादी थे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि निम्न में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया। अब देखिए, जब आप GIC का सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 1 में ही, GIC सिलेबस का जो पहला यूनिट होगा उसमें ही आपको मिलेगा प्रत्यक्षवाद, जो ऑगस्टस कामटे का है। ठीक, चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा, कामटे, हार्वे, बेक, यूफी टुआन। ये टुआन जो है महोदय हैं किससे, मानवता परक भूगोल से हो गए। ठीक, हार्वे क्रांतिकारी से हैं, और ये आपके गणितीय भूगोल से रिलेटेड हैं,
और ये आपके अगस्त्य कामठे प्रत्यक्षवाद से हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हाँ मैं बता रहा था आपको कि यूनिट वन में प्रत्यक्षवाद है और व्यवहारिकतावाद है, जो स्पष्ट रूप से वहाँ पे लिखा गया है कि ये भी आपको पढ़ना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यदि आप सिलेबस टू सिलेबस पढ़ेंगे तो इन चीज़ों पर आसानी से आप फोकस कर देख लेंगे। ठीक, और ये जो प्रत्यक्षवाद था ये भूगोल में आया, तो उसके बाद गणितीय जो रूप से भूगोल को जाना जाने लगा, यानी उसमें विभिन्न प्रकार की गणितीय तकनीकों का प्रयोग होने लगा। अगला है कि भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान किसने बताया। भूगोल को स्थानिक संबंधों और अंतर संबंधों का विज्ञान किसने बताया? विलियम बुंगी ने, आर मॉरिल ने, डब्ल्यू एल गैरिसन ने, या वी जे एल वेरी ने? अब देखिए, भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान किसने बताया था? तो डब्ल्यू बुंगी ने बताया था। ठीक, नेक्स्ट आइए, टाफे के परिवहन विकास मॉडल की अवस्थाओं की संख्या कितनी थी। ये देखिए, ये प्रश्न आपका जीआईसी का तो नहीं है, लेकिन ये आपका यूजीसी नेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। साथ ही साथ आप यदि राजस्थान देने जा रहे हैं आरपीएससी या हायर एजुकेशन कमीशन से, जो आपका वैकेंसी आने वाली है यूपीएचएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ पे भी आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि टाफे का जो परिवहन विकास मॉडल था कितनी अवस्थाओं से संबंधित है, कितनी अवस्थाओं, उसमें अवस्थाओं की संख्या कितनी थी। तो ये इसमें जो आपका राइट है वो 6 स्टेजेस थे टाफे के परिवहन मॉडल में। ठीक, अब उस परिवहन मॉडल को यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा ये टॉपिक हो जाए, क्योंकि 6 मॉडल को बताना फिर उसको डिफाइन करना ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो उसको हम लोग नेट वाले कोर्स में देखेंगे। और यहाँ पे आपका ये 15 प्रश्नों का जो सीरीज था वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जीआईसी का जो एग्ज़ाम 2017 का था उसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और आपको तैयारी किस हद तक किस स्तर से करनी है। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।